तराइन की प्रथम लड़ाई मोहम्मद गोरी तथा शाकम्भर चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुई थी। इस लड़ाई के कारणों, घटनाक्रम और प्रभावों को जानने के लिए पहले हम इन दोनों शासकों के व्यक्तिगत एवं राजनीतिक जीवन के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लें तो अध्ययन की दृष्टि से अच्छा होगा। मोहम्मद गोरी, इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। वह गोर राज्य का शासक था जो गजनी हेरात के मध्य स्थित था। उसने गजनी को जीतने में अपने भाई गयासुद्दीन की काफ़ी मदद की थी। इससे खुश होकर उसके भाई ने उसे गजनी का शासक बना दिया। इस तरह गोरी ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। कहने के लिए तो वह अपने भाई का वहाँ सामंत था, परंतु वास्तव में वह एक स्वतंत्र शासक की तरह काम कर रहा था। उसने न तो अपने नाम के सिक्के चलाए और न ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा। उसने अपने भाई के सहायक के रूप में 1206 ईस्वी तक गजनी पर शासन किया। इसी दौरान उसने भारत पर कई आक्रमण किए। तराइन के युद्ध भी इन्हीं आक्रमणों का परिणाम थे। पृथ्वीराज तृतीय, यह राजपूत शासक भारतीय इतिहास में राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह शाकम्भरी चौहान वंश का सबसे महान शासक था। उसने 1172 से 1192 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। वह मात्र 15 वर्ष की आयु में राजगद्दी पर बैठा था। उसकी अपनी लगातार क्षेत्रीय विजय के कारण वह उत्तर भारत का महान शासक बन गया था। उसने चालुक्यों, चंदेलों व अन्य शासकों को कई बार पराजित किया। इसलिए उसे उस काल का एक महान राजपूत शासक होने का श्रेय प्राप्त था। परंतु उसका असली सामना तराइन के युद्धों में मोहम्मद गोरी से हुआ था। तराइन के प्रथम लड़ाई के कारण भारत की तत्कालीन कमजोर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण की शुरुआत की। उसने हरियाणा पर पहला आक्रमण 1191 ईस्वी में किया। इसे इतिहास में प्रथम तराइन की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों में इस बात को लेकर काफ़ी मतभेद है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का मुख्य उद्देश्य क्या था। उस समय की राजनीतिक स्थितियों का अध्ययन करने के बाद हम इस लड़ाई के कारणों पर कुछ प्रकाश डालते हुए कह सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार इस लड़ाई का कोई उत्तरदायी कारण नहीं था। उनके अनुसार इस लड़ाई का अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है। साम्राज्य का विस्तार। गजनी का शासक बनने के बाद मोहम्मद गोरी अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। उसके शासन से पहले भी गजनी साम्राज्य में हरियाणा का कुछ क्षेत्र रह चुका था, परंतु अब मोहम्मद गोरी हरियाणा के अधिकतर भाग पर अपना अधिकार चाहता था। वह स्वभाव से ही एक अति महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को अपने छोटे से राज्य से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। वह किसी भी तरह से दिल्ली तक अपने साम्राज्य की सीमाएं फैलाना चाहता था, इसलिए उसे हरियाणा को अपने अधिकार में लेना जरूरी था। परंतु हरियाणा पर उस समय इस काल के सबसे महान शासक पृथ्वीराज तृतीय का शासक था, इसलिए इन दोनों के मध्य टकराव होना स्वाभाविक था। 1191 ईस्वी में उनके बीच यह टकराव तराइन नामक स्थान पर हुआ। राजनीतिक स्थिति। बारहवीं सदी के अंतिम दशक में पूरा उत्तरी भारत छोटे छोटे विभिन्न क्षेत्रीय राज्यों में बढ़ चुका था। सही मायनों में इस समय भारत की राजनीतिक दशा बहुत ही खराब थी। पूरे उत्तरी भारत में एक ऐसी केंद्रीय राजनीतिक शक्ति का अभाव था जो इन राज्यों पर नियंत्रण रख सके। यहाँ स्थापित छोटे छोटे राजपूत राज्य सदैव आपस में लड़ते रहते थे। इस तरह की परिस्थितियाँ विदेशी आक्रमण के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। अन्य राजपूत राज्य पृथ्वीराज तृतीय की बढ़ती शक्ति को देखकर उससे ईर्ष्या करते थे। जयचंद राठौर भी इन्हीं में से एक था। ये लोग पृथ्वीराज की बढ़ती शक्ति को सीमित रखना चाहते थे, इसलिए मोहम्मद गोरी इस राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाना चाहता था। इस्लाम का प्रसाद। मोहम्मद गोरी अपने स्वभाव से कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था। वह भी अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था। वह इसके माध्यम से इस्लामिक इतिहास में अपना नाम अमर करना चाहता था। तत्कालीन परिस्थितियों में इस्लाम के प्रसार के लिए भारत से अच्छा कोई अन्य विकल्प नहीं था, परंतु भारत में जब तक पृथ्वीराज तृतीय का शासन था तब तक ऐसा करना लगभग असंभव था, क्योंकि वह एक कट्टर हिंदू राजपूत शासक था जो अपने धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। इसलिए मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के मध्य टकराव असंभावी हो गया। 1191 ईस्वी में तराइन की लड़ाई इसी का परिणाम थी। भारत की धन संपदा। मोहम्मद गोरी अपने स्वभाव से एक अत्यंत लालची प्रवृत्ति का शासक था। वह अधिक से अधिक धन प्राप्त करना चाहता था। उसने अपने से पहले के आक्रमणकारियों तथा मुस्लिम व्यापारियों से भारत के अपार धन संपदा के विषय में सुना था। देश के अन्य भागों की तरह हरियाणा का क्षेत्र भी आर्थिक दृष्टि से काफ़ी संपन्न था। मोहम्मद गजनवी ने 1414 ईस्वी में हरियाणा के थानेश्वर पर आक्रमण करके यहाँ से अपार धन संपदा प्राप्त की थी। मोहम्मद गोरी भी उसी के पदचिन्हों पर चलते हुए यहाँ उसी प्रकार से धन संपदा प्राप्त करना चाहता था। वह यहाँ से विशाल धन संपदा प्राप्त करके गजनी में अपनी स्थिति को मजबूत भी करना चाहता था, परंतु जब तक हरियाणा पर
पृथ्वीराज द्वितीय का शासन था तब तक उसके लिए ऐसा करना कतई संभव नहीं था, इसलिए 1191 में दोनों के मध्य तराइन नामक स्थान पर लड़ाई हुई। तत्कालीन कारण ताबर हिंद नामक स्थान पर विवाद इस लड़ाई का तत्कालीन कारण बना। ताबर हिंद नामक स्थान की वास्तविक पहचान अब तक पूर्णतः नहीं हुई है। कुछ इतिहासकार भटिंडा को तो कुछ सरहिंद को स्थान के रूप में बताते हैं। इस स्थान पर पृथ्वीराज द्वितीय का अधिकार था, परंतु 1179 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने इस पर आक्रमण करके अपने अधिकार कर लिया। इस स्थान की सुरक्षा के लिए मोहम्मद गोरी ने एक पूरी टुकड़ी को भी वहां पर छोड़ा था। इस बात से पृथ्वीराज चौहान का पारा आसमान पर चढ़ गया। उसने मोहम्मद गोरी को सबक सिखाने का अंतिम फैसला लिया। फलस्वरूप 1191 में तराई के मैदान में दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध हुआ। तराइन की प्रथम लड़ाई का घटनाक्रम 1191 ईस्वी में करनाल के समीप तराइन नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की ओर से मोर्चाबंदी की गई। इस्लामी इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की सेना में 100,000 घुड़सवार तथा 30,000 पैदल सैनिक बताए, परंतु डॉक्टर केसी यादव इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि उनके अनुसार मध्यकालीन इतिहासकारों की अपरवर्ती रही थी कि दुश्मन की सेना को अपने स्वामी की सेना से बढ़ चढ़कर बताया जाए, जिससे उनके स्वामी की महानता ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। वे अपने वर्णन में ये दिखाने का प्रयास करते थे कि उनके स्वामी ने अपने अद्वितीय पराक्रम से अपने से 2 या 3 गुनी बड़ी सेना को हराया और उससे टक्कर ली थी। डॉक्टर केसी यादव के अनुसार दोनों की सेना की संख्या लगभग एक समान थी। इस लड़ाई में दोनों सेनाओं के नेतृत्व उनके शासक अर्थात पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी कर रहे थे। इस युद्ध या लड़ाई की शुरुआत बड़े घमासान तरीके से हुई। जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती गई है और भी भयंकर होती गई। हरियाणा क्षेत्र के सेनापति गोविंद राय ने वीरता इस लड़ाई में देखने लायक थी। वह एक वीर योद्धा के साथ साथ एक कुशल सेना नायक भी था, इसलिए वह गोरी की सैनिक रणनीतियों को अच्छी तरह समझता था। उसने अपने अपार साहस और वीरता से इस पूरी लड़ाई का केंद्र बिंदु अपने आप को बना लिया। मोहम्मद गोरी से राजपूत सेना नायक की वीरता को देखकर विचलित हो गया। वह अपने रणनीति के विरुद्ध जाकर सीधा इस राजपूत से टकराया। उसने अपना सीधा पराय गोविंद राय पर किया, जिससे शायद उसके आगे के 2 दांत भी टूट गए थे। परंतु यह सेना नायक ने ऐसा पलटवार किया कि मोहम्मद गोरी बुरी तरह से घायल हो गया। वह इस सेनानायक प्रभाव से प्रहार से इस हालत में आ गया कि वह घोड़े से गिरने वाला ही था। परंतु उसी समय एक वफादार खलजी सरदार उसको मैदान से भगा ले गया। अपने सेनापति शासन को मैदान छोड़ते देखा अफगानी सेना में भगदड़ मच गई। पृथ्वीराज की सेना स्थिति का पूरा लाभ उठाया और दूर तक पीछा करते हुए उनका भारी नरसंहार किया। परंतु जिस किसी भी तरह मोहम्मद गोरी अपनी जान बचाने में सफल हो गया। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान को शानदार सफलता प्राप्त हुई। सरस्वती नदी किनारे थानेश्वर से 14 मील तथा दिल्ली से 80 मील की दूरी पर स्थित तराइन नामक स्थान को पृथ्वीराज की सेना के पराक्रम ने ऐतिहासिक बना दिया।